अस्सलामुअलैकुम जी, आपका पहलवान पहुंच गया मुल्तान और मुल्तान ने पहला पंचर का गिफ्ट दे दिया जनाब। तो खैर पंचर वगैरह लगाते हैं, माल उतारते हैं, फिर आगे देखते हैं भाई आज मुल्तान गिफ्ट करते हैं। तो खैर सुबह 11 बजे पहुंच गए थे मिल में, तो आपका भाई भी सो गया था, तबीयत थोड़ी सी ना सर बड़ा दर्द कर रहा था। अभी टाइम आ गया गाड़ी उतारने का भाई जान, सैंपल हो गया था सुबह का, तो खैर मैच लोड की है। खैर जनाब ये की हुई थी पॉलिश, ये मेरे ख्याल से चावलों का वजन से ऊपर छांट होता है उसका वेस्ट है। खैर मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं है इसका। तो खैर गाड़ी उतर रही है जी, अभी उतारेंगे और अड्डे पे निकल जाएंगे। अभी माल बन गया तो अभी लोड कर लेंगे, नहीं तो सुबह इंशाल्लाह सुबह तो हो ही जाएगा। ले जनाब गाड़ी खाली हो गई है, तो अभी शाम वगैरह किराया लेने गए हैं, देखते हैं अभी किराया मिलता है कि नहीं, अगर अभी मिल जाता तो अड्डे पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। तो मुल्तान अड्डे पे रात को आ गए थे, नंबर वगैरह लगवाया। खैर अभी तक माल तो नहीं निकला जनाब, तो खैर अड्डा व्यू चेक करें जी, सारे भाई लोग इधर माल ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल ही जाएगा उसी तरह निकलते जाएंगे। हमने खैर शेखुपुरा का ही लोड करना है, शेखुपुरा गखड़ गुजरांवाला मरीज के इधर का हो गया, तो अभी देखते हैं क्या बनता है भाई जान, तवक्को तो अच्छे की है। वालेकुम जी, तो खैर गाड़ी की बिल्टी मिल गई है, तकरीबन थोड़ी 8-10 किलोमीटर पे जाना है, वहाँ से लोड करनी है गाड़ी, उसी दिन नाश्ता वगैरह करते हैं और निकलते हैं। तो नहीं जनाब कांटा छंटा करवा लिया, अब आ गए लोडिंग की जगह पे, तो अभी फ़िलहाल भराई हो रही है तोड़ों में, जैसे ही तोड़ों में भराई मुकम्मल होती है फिर गाड़ी उधर लेकर जानी, रास्ता भी ना गंदा ही नज़र आ रहा है ये देखें, तो उधर जाकर गाड़ी लोड करेंगे। अभी खैर देखें कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी थोड़े बहुत ही तोड़े भरे हैं। उफ, मुझको तो लगता है इधर 12-1-2 वाली गेम लग रही है, चले अल्लाह बेहतर करे। वो सामने मकई पड़ी हुई है छलियाँ, अल्लाह ने बहुत नवाजा मकई से इन शहरों को। यार मैं तो खाना बनाने की तैयारियों में था, तो इधर साइड पे आ गया मुझे यार साग नज़र, वल्ला आलम ये मुझे तो बनाना आता नहीं है, अम्मी जान बनाती हैं साग। खैर साग देख के भाई जान याद आ गई अम्मी जान की रोटी, तो इंशाल्लाह जाती डिमांड है भाई साग की, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से खाया जाएगा। मैं तो साग रोटी का तो साथ बहाना ही होता है, साग बड़े शौक से आपका भाई खाता है भाई, क्वालिटी साग। खैर अभी रास्ता तो था नहीं, तो अभी मुंजी के ऊपर से ये लेबर लेकर आ गई है इधर, गाड़ी खैर बैक को स्लिप करती रही है, 10 व्हीलर है ना, तो इसके अपना 4x4 नहीं है, तो उसकी वजह से स्लिप करती है, ठीक है। तो अभी खैर भराई हो रही है, जैसे ही मुकम्मल होती है फिर लोडिंग स्टार्ट करते हैं ये, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 9-10 बजे तक जान छूट जाएगी, फिर निकलेंगे सफ़र के लिए जनाब शेखुपुरा के लिए। और इधर मोहसिन साहब तैयारियां कर रहे हैं हंडिया की, अभी जी मसाला वगैरह डन हो गया, आज शाम सब खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 हंडिया प्रीवियस मैंने बनाई है यार, लाजवाब मज़ा आ गया। आज देखते हैं चौधरी साहब कैसे की हंडिया बनाते हैं, और खलारा चेक करें जी, ऐसे ही डलता है भाई जान, अभी सफाई हो जाएगी, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो गई थी लोड, टाइम हो गया तकरीबन 9:45 का, तो अभी निकल रहे हैं भाई जान वापसी के लिए। ये कहते हैं जनाब, अभी कहते हैं मुल्तान शहर को अलविदा, पानी शानी पूरा कर रहे हैं, इतने आगे सिंगल रोड है तो आबादी कम ही मिलती है ज़्यादातर। जनाब मुल्तान आए और सोहन हलवा ना लेकर जाएं तो भाई ये तो बहुत ज़्यादती होगी हमारे साथ। हाँ चेक करें जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, तो खैर यार ये गिफ्ट लेते जाना है घर वालों के लिए, खुद भी खैर खाएंगे। ये भाई सौगात है मुल्तान की माशाल्लाह, चेक करें जनाब। यार मुल्तान ताज पेट्रोलियम पे आ गए हैं, तो ताज पेट्रोलियम की एक यार बात मुझे बेहतरीन लगती है, एक तो ये जब भी गाड़ी खड़ी करें तो इन्होंने पहले पानी सर्व करना होता है, और उसके बाद इनका एक और चीज़ है भाईजान, नमाज के टाइम इनका बिल्कुल सर्विस बंद होती है, चाहे जितनी मर्जी अमर आप आए, इन्होंने क्या नाम लेते हैं नमाज के टाइम सब अमले ने नमाज पढ़नी है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि काम तो सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, लेकिन नमाज का एक थोड़ा सा टाइम होता है अल्लाह ताला को आपने वक्फ करना होता है, तो जनाब नमाज ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि नमाज में भी कामयाबी है और नमाज दीन का सतून है।
तो बराए मेहरबानी। नहीं जनाब, तकरीबन 10 बजे के खड़े हैं पेट्रोल स्टेशन पे, तो जैस कैश वालों ने अभी ट्रांजेक्शन नहीं क्लियर कर रहे मेरी, तो मैंने पैसे सेंड कर दिए थे तो आगे रिसीव नहीं हुए उनको, और मेरे से अकाउंट से भी पैसे निकल गए हैं, 30,000 अमाउंट थी, तो अभी तकरीबन 12:30 हो गए हैं, तो मसला हल नहीं हो रहा। वालेकुम जी। तो खैर, आपका भाई पहुँच गया गोजरा रात को। खैर भाई, गाड़ी न्यू खानी बनाई थी क्योंकि सफ़र कवर करना था और रोड कुछ उस तरह का था, तो इसलिए रात को गाड़ी रवा ही रखी है। अभी खैर भाई नींद आ गई आपके भाई को, सोएंगे नाश्ता करके। माशाल्लाह जी, ये आपके भाई का लव है, ठीक है जी जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, मंडी फैजाबाद पहुंच गए हैं, कांटा शंटा करवा लिया है, तो अभी जाते हैं भाई मिल में, सैंपल वगैरह होता है और गाड़ी अनलोड करते हैं। तो ले जी, माशाल्लाह गाड़ी पीछे पीछे फॉलो कर रही है, ये साहब के साथ जा रहे हैं भाई मिल में, तो अभी माल वगैरह उतारते हैं और अड्डे पे जाते हैं। अगर टाइम से पहुंच के शाम से पहले, शाम से पहले तो खैर पॉसिबल नहीं है, तो काम सुबह ही होंगे, नहाएंगे धुलाएंगे गाड़ी को, ग्रीस वगैरह करवाएंगे, छोटे मोटे काम है।